इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गोधूली वेला में बरात सुसज्जित होकर सरकार हमारे श्याम कर्ण सुपर दूल्हे वेश में और आगे चले मंगलगान चली सखियां गा रही हैं। वेद मंत्र का उच्चारण, भगवान ब्रह्मा ने देखा, कहा भगवान भूत भावन से बोले नाथ, इस व्याह में मेरी तो कहीं करनी दिखती नहीं। बोले बाबा, बोले पितामह, ये जगत के माता पिता का विवाह महोत्सव है, माँ बाप के विवाह में बच्चों की फोटो नहीं दिखती। आगे चलिए दर्शन करिए। अब भगवान ब्रह्मा चले, बाएं शिव बाबा, दाएं खडानंद, शिव जी के 8 नेत्र हैं, ब्रह्मा जी के। अब मोचन में आ गया है, जितने उसके शरीर पर स्वरूप बने थे सब नेत्र बनकर भगवान का पावन दर्शन पा रहा है। सरकार प्रवेश के पलक पावड़े रखते हुए मद पर कादि विधि संपन्न हुई। ब्राह्मण देवता जो मांगते हैं, सामग्री सेवक परिचारक लोग लेकर खड़े हैं। मंडप प्रवेश हुआ, गुरुदेव भगवान का श्रेष्ठासन, चक्रवर्ती जी महाराज जैसे सभी बरातियों का सम्मान किया मिथिलापति ने। प्रभु विराजे हैं, सखियां लेकर मेरी माँ को पधारी हैं, और मंडप में जैसा व्यवहार, स्वर्ण के थाल में सरकार ने चरण रखा। सास ससुर माता पिता स्वरूप भगवान के पांव पखार रहे हैं। आह, लागे पखार तन फूल काली लभन कर जी ने
जैसे माँ भगवती पार्वती जी के कन्यादान स्वरूप शिव जी के प्रति किया था। हिमवंत जिम गिरिजा महेश, श्री समुद्र जी ने श्री हरि को जैसे माँ भगवती श्री को दिया था, ठीक उसी प्रकार जनकराज महाराज ने माँ का कन्यादान प्रभु के प्रति किया। यज्ञ नारायण का आह्वान हुआ, आहुतियां समर्पित हुई, वर कन्या भामरी देने लगे। कुमर कुमरी कल भामरी दे नयन लाभ सब सादर। माँ भगवती भगवान चतुष्पदी कर रहे हैं, मणि खंभों में स्वरूप दर्शन होकर ऐसा लग रहा है मानो रति कामदेव करोड़ों करोड़ों स्वरूप धारण करके और माँ भगवती सीता जी और रघुनाथ जी प्रभु के मंगल विवाह महोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। गुरु आज्ञा हुई, माँ बैठी आसन पर और प्रभु को आज्ञा हो गई गुरुदेव की। राम सिय सिर से दूर दे शोभा न जाई बहुरे वशिष्ठ दीनी अनुशासन सरकार के वामांग में विराज गई। दरक जी महाराज को गुरु वशिष्ठ भगवान बुलाए, बोले राजन कन्याएं और हैं क्या? बोले महाराज वही तीन है, एक हमारी दो भैया की। शिरध्वज नाम है जनक जी महाराज का, कुशध्वज नाम है उनके अनुज महोदय का। माँ मांडवी माँ सुकृति कुशध्वज की पुत्रियां हैं। माँ स्याजू और माँ उर्मिला ये शिरध्वज जी महाराज की बेटियां हैं। जैसे प्रभु श्री सीताराम जी का विवाह हुआ था, जैसे रघुबीर ब्याह विधि वर्णी सकल कुंवर ब्याह, एक ही मंडप में मांडवी जी उर्मिला जी सुतकृति जी का विवाह क्रमशः भरत जी लक्ष्मण जी शत्रु जी के साथ संपन्न हुआ। मंडप एक, दूल्हा दुल्हन चार, सखियां गाने लगियां जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चार दुल्हन में बड़का सखिया, चार दुल्हन में बड़का लाल चंदन सोहे लाल सखिया, लाल चंदन सोहे लाल सखिया। जोगी मुनि जप जप
राम रब खिला अब लोड़ा से सिखा चल किया अब लोड़ा से सिखा चार दुल्हा बड़का माया चार दुल्हा बड़का दुल्हा दुल्हिन सरकार की जय। सखियां बड़े आनंद में है, वृद्ध माताओं ने कह रहे कुछ खिलाओ पिलाओ भाई, तो रात भर चलता ही रहेगा सब। कुछ मिष्ठान है बेटा, वहां रखो लाला का, इधर लाओ। जलम 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 आने आने डिब्बा सरकार के वहां सन्मुख लगाओ। बहुत दुल्हा दुल्हन सरकार की नित्य नवीन आनंद इसी प्रकार मिथिला में हो रहा है। और इधर दिन उठे बेदा अवध पति मांगा दिन उठे बेदा अवध पति चाहते हैं मिथिलापति, विदा नहीं करना चाहते। अंत में मुहूर्त का विचार किया दोनों गुरुजनों ने, विश्वामित्र बाबा शतानंद जी ने, विदा का साज सजा, बरात विदा हुई और मिथिला से चलकर श्री अवधाई विधि पूर्वक प्रवेश हुआ। मंगल आरती के पश्चात महाराज ने 7 दिन और आनंद उत्सव की आज्ञा दी। भया कलकंगन छोड़ा गया, फिर तो विश्वामित्र बाबा विदा ले रहे हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।